रही है। देखो बेटा, जो पिछले वाले क्लास में हम लोग बता रहे थे, कहाँ तक बताए थे हमने, यहाँ पे बताया था, क्या बताया था कि परिमित और अपरिमित समुच्चय बताया था ना हमने, एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल दिया था हमने परिमित और अपरिमित समुच्चय का, नहीं सर। नहीं ना? तो देखिए उदाहरण, ये तो परिभाषा तो लिख दिए थे कि परिमित क्या होता है और अपरिमित क्या होता है। परिमित ऐसे समुच्चय जिसका सदस्यों की गिनती किया जा सकता है उसे परिमित समुच्चय कहते हैं, और वही अपरिमित समुच्चय क्या हो गया, जिसके सदस्यों की गिनती नहीं जा सकती है। जैसे देखिए बेटा, परिचित में ये परिमित में क्या हो गया, जैसे उदाहरण के तौर पे आप चाहे तो इनको ये इस तरीके से नोट कर सकते हैं। देखिए ये जो उदाहरण है ना, ये उदाहरण है, उदाहरण आपको लिखना हुआ तो ऐसे लिख सकते हैं। जैसे क्या, जैसे यहाँ पे इसको यदि यहाँ पे दे रहा है ये ऐसे करके, ये जो है हाँ, अगर मान ये जो उदाहरण है परिमित और अपरिमित का, तो इसको चाहे तो आप मतलब कि लिख सकते हैं। जैसे उदाहरण पे विचार करें, जैसे पहला उदाहरण हम लोग देखते हैं परिमित में, तो देखिए क्या होता है, यदि W सप्ताह के दिनों का समुच्चय है तो W परिमित है। इसका मतलब क्या, यदि W को ऐसा एक मान लेते हैं, समुच्चय मान लिया जाए जो कि सप्ताह के दिनों को बतलाता है, तो आपको पता है कि सप्ताह में कुल कितने दिन होते हैं, आपको हमेशा सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7, तो उनकी गिनती, हाँ उनकी गिनती तो की जा सकती है, 7 दिन हो गया तो 7 की तो गिनती है, तो इसलिए गिनती है, इसीलिए इसको कहा गया परिमित समुच्चय, और वही समुच्चय जिसकी गिनती नहीं की जा सके उसे अपरिमित समुच्चय कहलाता है। जैसे एक एग्जांपल ये भी है, मान लिया कि जी जी एक ऐसा समुच्चय है जिसके किसी रेखा पर स्थित बिंदुओं का समुच्चय है, तो आप हमें ये बताइए कि किसी भी रेखा पर कितने बिंदु अवस्थित हैं, कितने बिंदु हैं, क्या इनकी गिनती की जा सकती है कि नहीं की जा सकती है, क्या बेटा नहीं की जा सकती, नहीं की जा सकती, यानी अगर गिनती नहीं की जा सकती इसका मतलब हो गया ये अपरिमित समुच्चय है। और अगर यही अगर कहीं ना कहीं सब बोल देता कि साल भर में महीनों के दिनों का समुच्चय, तो आपको पता है साल भर में 12 महीने होते हैं, उनका कोई समुच्चय बनाया जाए तो वो परिमित समुच्चय होगा, और वही अगर गिनती नहीं की जा सकती है तो अपरिमित समुच्चय है। तो चाहे तो उदाहरण के तौर पर आगे इसको लिख सकते हैं, या अपने मोबाइल से इसका स्क्रीनशॉट भी चाहे तो ले सकते हैं, जैसी इच्छा। क्या लिखिएगा कि आगे इसका क्वेश्चन ही दें आपको बनाने के लिए, क्वेश्चन दे दीजिए, क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन ही देते हैं, देखिए क्वेश्चन देते हैं वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। देखिए क्वेश्चन पे क्या क्वेश्चन है, देखिए अब थोड़ा सा आगे आते हैं क्वेश्चन पे। उसी तरह से आप देखिएगा 19 नंबर है ना, हाँ ये 20 नंबर हो गया चैप्टर आपका, मतलब कौन परिमित है। देखिए एक आपको ये दिया गया है, ये तो एग्जांपल कर दिया 20 नंबर में, ये समान समुच्चय, अभी ये पढ़िएगा, अभी थोड़ा देर बाद इसको पढ़िएगा। देखिए 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 एग्जाम्पल ये फिलहाल लेके चलते हैं। देखिए बताना है कि बताइए कि निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा परिमित और कौन अपरिमित समुच्चय है, ठीक है। तो कहा गया क्या, जैसे क्वेश्चन क्या दे देगा, जैसे मान लेते हैं कि x जो है, x ऐसा कोई सदस्य है जहां पे x एप्सिलॉन a, एप्सिलॉन हमने बताया था कि अगर कोई नेचुरल नंबर का कोई अवयव है, सदस्य है, तो एप्सिलॉन से लिखते हैं x एप्सिलॉन a, जहां पे दो x का वैल्यू आएगा, x माइनस वन इधर x माइनस टू। तो आप हमें ये देख के बताइए कि पहला नंबर क्या है, परिमित समुच्चय है कि अपरिमित समुच्चय है। कुणाल आपको भी बताना है, अनुराधा आपको भी बताना है, पहला वाला जो है वो परिमित समुच्चय है कि अपरिमित समुच्चय है, फर्स्ट वाला
फर्स्ट वाला कौन अपरिमित। सा अपरिमित कैसे हुआ बेटा, x का दो ही वैल्यू आएगा ना, एक वन आएगा और एक क्या आएगा, टू आएगा। तो ये तो परिमित समुच्चय का उदाहरण हो गया ना, क्योंकि अब इसके आगे तो आपको पता है ना कि जैसे मान लेते हैं कि ये x माइनस वन और x माइनस टू रहा है, तो x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, उसी तरह से x माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। तो जब x बराबर हो जाएगा वन और x बराबर टू, तो जब दो ही ना समय इसका आपको मिल पाया है, तो इस तरह से तो ये परिमित समुच्चय हो गया ना, बात समझ रहे हैं? Yes, sir. ये तो करेंगे ना, एक आप लोग ये द्विघात समीकरण तो दसों में बनाए होंगे, द्विघात समीकरण में ऐसा ऐसा क्वेश्चन आता था कि नहीं आता था, द्विघात समीकरण आता था। तो इसमें x का कितना वैल्यू आता था, कौन कौन वैल्यू आता था, अगर एक द्विघात समीकरण से बनाइए तो ही वैल्यू आएगा, क्योंकि x बराबर वन और x बराबर टू, इसीलिए इसको कौन सा समुच्चय हम लोग कहेंगे, तो ये आपका हो जाएगा परिमित समुच्चय, ठीक है। उसी तरह से जब अगले वाले में हम लोग आते हैं, जैसे दिया हुआ है तो बताइए, तो अगला वाला परिमित समुच्चय है कि अपरिमित समुच्चय है, अगला वाला परिमित, हाँ परिमित है, क्योंकि x बराबर या तो प्लस टू होगा या तो माइनस टू होगा, दो ही वैल्यू आ सकता है, ये तो परिमित समुच्चय है, ये भी परिमित हो गया। लेकिन चौथा वाला बताइए, परिमित है कि अपरिमित है, चौथा वाला जो चौथा नंबर ये जो दिख रहा है सामने में, ये परिमित है कि अपरिमित है, अपरिमित, हाँ, क्योंकि अभाज्य संख्या बोला है। और आप बताइए, अभाज्य संख्याओं की कितनी गिनती हो सकती है, ये तो गिनना असंभव है, तो ये आपका एक अपरिमित समुच्चय हो गया। और ठीक ये जो है आपका दिया हुआ है x, x एक विषम संख्या है, तो ये बताइए कि ये परिमित समुच्चय है कि अपरिमित समुच्चय है, x सब साइलेंट n जो है, x आपका विषम संख्या है, तो x आपका परिमित समुच्चय है कि अपरिमित समुच्चय है, ये वाला लास्ट वाला ये अपरिमित, हाँ ये भी आपका क्या है, अपरिमित समुच्चय, क्योंकि विषम संख्या है और विषम संख्याओं की गिनती नहीं की जा सकती, तो ये आपका एक अपरिमित समुच्चय है। तो देखिए ये भी वही बात बताया है, देखिए ये परिमित है, ये परिमित है, तीसरा वाला बोला है कि परिमित है, चौथा वाला बोला परिमित है, ये अपरिमित है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं बनाने के लिए, मतलब कि आपके मन में आता होगा कि सर बताइए, अच्छा पढ़ तो रहे हैं लेकिन क्वेश्चन कैसे मिलेंगे, तो क्वेश्चन बेटा आपको ऐसे ही मिलेंगे जिसमें आपको बताना रहेगा कि ये परिमित है कि अपरिमित है, इसी टाइप के आपको क्वेश्चन हमेशा आपको मिलेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं, देखिए एक तो उदाहरण का हमने एग्जाम्पल लिया, एक आपका एक्सरसाइज का भी एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। देखिए एक्सरसाइज आ गया आपका 1.2, यही तो पिछला वाला क्वेश्चन, पहला नंबर तो हम लोग बना दिए थे भाई, पहला नंबर एक समुच्चय वाला हम लोग डिस्कशन हो गया था हम लोग का। अब आते हैं हम लोग दूसरे समुच्चय, दूसरे वाले में, जिसमें परिमित और अपरिमित का करना है। आप ये बताइएगा, है ना, दो एग्जाम्पल है दिया हुआ, दो क्वेश्चन दिया हुआ है, दूसरा और तीसरा दोनों वैसे ही है, ठीक है। कुणाल अनुराधा जो भी है सभी बताइएगा, जो दूसरा वाला जो दिख रहा है बताइए, दूसरा वाला जो दिया हुआ है वर्ष के महीनों का समुच्चय, ये परिमित समुच्चय कि अपरिमित समुच्चय है, परिमित, सही है। ये वाला दूसरा वाला 1, 2, 3, ये परिमित है कि अपरिमित है, अपरिमित, हाँ सही है। तीसरा वाला परिमित है कि अपरिमित है, परिमित, हाँ। और चौथा वाला परिमित है कि अपरिमित है, परिमित, दोनों परिमित है सर, 100 से बढ़ा नहीं तो वो परिमित कैसे हो गया, आप 100 से बड़ा कितना धन पूर्णांक है आप उसको गिनती कैसे कर पाइएगा, 100 से अपरिमित, हाँ अपरिमित। और पांचवा वाला क्या है, परिमित है कि अपरिमित, ये परिमित है, हाँ ये परिमित है, क्योंकि 99 से छोटा बोला है, तो जब छोटा बोला है तो छोटे वाले की तो गिनती की जा सकती है ना, तो ये कौन सा समुच्चय हो गया आपका, अपरिमित समुच्चय हो गया, ये परिमित समुच्चय हो गया। चलिए पांचवा वाला ये तो हो गया, अब नीचे वाले की बात करते हैं, चलिए तीसरा वाला देखते हैं, है ना। देखिए तीसरा वाला क्या है भाई, अब बताइए आप ही लोग को बताना है, परिमित और अपरिमित, x अक्ष के समानांतर रेखाओं का समुच्चय,
बताना है, प्रैक्टिकली एग्जांपल दिया है तो ज्योग्राफी का दिया है ना, एक नहीं ज्योग्राफी नहीं सिर्फ मैथ्स का ही है, एक्स अक्ष का समानांतर, एक्स अक्ष के समानांतर रेखाओं का समुच्चय बताइए तो अपरिमित, ये अपरिमित क्योंकि कितनी रेखाएं खींची जा सकती है वो तो गिनती नहीं किया जा सकता है, कंफर्म नहीं है। अच्छा ये वाला अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय ये परिमित है कि अपरिमित है? परिमित सही है। अब पांच पांच के गुणज का समुच्चय ये परिमित है कि अपरिमित है? अपरिमित। हाँ, पृथ्वी पर रहने वाले ये भी अपरिमित हो गया। मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय जो मूल बिंदु से होकर जाता है ये भी अपरिमित हो गया, कि जिसका मूल बिंदु से होते हुए जाने वाले वृत्तों का समुच्चय भी अपरिमित हो गया। तो ये तो इजी था परिमित और अपरिमित का। देखो बेटा जो जानकारी रहता है तो बहुत इजी होता है, और जहाँ जानकारी नहीं होता है तो वही भारी हो जाता है। अगर आपको जानकारी है अच्छे से समझे हुए हैं तो कहीं कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। आपके पास ये बुक है तो आप उस चीज को डाउनलोड करके लिख सकते हैं, रख सकते हैं। चलिए अब जो है अगला जो कुछ सेट हम लोग जो इंग्लिश में लिखा दिए थे, देखिएगा ये जो है आपका ये वाला, हाँ समान समुच्चय ये वाला, अब हम लोग देखते हैं इक्वल सेट जिसको कहते हैं। देखो बेटा नाम से ही क्लियर है इक्वल सेट, इक्वल सेट का मतलब क्या हो गया क्यों समझना है इसमें, क्योंकि लिखा हुआ तो सामने ही है, हम लोग यहाँ पे ज्यादातर समझेंगे ऐसे लिखा हुआ, चाहे तो भेज देंगे नहीं तो ये तो दे दिया, लिख भी सकते इसे। देखिएगा समान समुच्चय, समान समुच्चय नाम से क्लियर है, यदि कोई दो समुच्चय ए और बी हो तो ए का प्रत्येक अवयव बी का भी प्रत्येक अवयव है तो दोनों को हम लोग समान समुच्चय कहते हैं, या ऐसे भी कह लीजिए बी का प्रत्येक अवयव ए का भी प्रत्येक अवयव के बराबर है तो भी उसे समान समुच्चय कहेंगे। जैसे मैं एग्जाम्पल देखिए इसको लिखा भी गया है यहाँ पे, यदि दो दिए गए समुच्चय ए और बी में यदि ए का प्रत्येक अवयव बी का भी प्रत्येक अवयव है तथा बी का प्रत्येक अवयव ए का भी अवयव है तो समुच्चय ए और बी समान कहलाते हैं, स्पष्टया दोनों समुच्चय में तत्तः समान अवयव होते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल में क्या बोला है, मान लीजिए कि ए के अवयव है एक दो तीन और चार और बी का अवयव है तीन एक चार दो, तो कह सकते ए का प्रत्येक अवयव बी के प्रत्येक अवयव में शामिल है और बी का जो प्रत्येक अवयव है वो ए के प्रत्येक अवयव में शामिल है तो ये दोनों समान समुच्चय हो गया, और इस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं ए बराबर बी। और दूसरा क्या है भाई, मान लीजिए कि ए जो क्या है छह से कम अभाज्य संख्या तथा पी पी क्या है तीस के अभाज्य गुणनखंड के समुच्चय है तो स्पष्ट ए और पी समान है, क्योंकि देखो छह से कम अभाज्य संख्या ए कौन कौन मेंबर को रखता है भाई, तो जो छह से छोटी है और अभाज्य संख्या है। अचानक से डिस्कनेक्ट हो जाता है, देखते हैं ये देखिए हम लोग यहाँ पे थे। देखिए अगर बोला है कि ए जो है क्या क्या रखता है भाई, ए जो मेंबर है ए क्या है तो भाई छ से छोटी अभाज्य संख्याएं, तो छ से छोटी अभाज्य संख्याएं कौन कौन हो जाती है, दो तीन और पांच, पांच ही है छ से छोटी अभाज्य संख्या। और पी एक ऐसा समुच्चय है जो तीस के अभाज्य गुणनखंड है, तो तीस का अभाज्य गुणनखंड भी क्या क्या होता है, दो तीन और पांच, यानी कह सकते हैं कि ए का जो अवयव है दो तीन पांच वही पी का भी अवयव है दो तीन पांच। इस हिसाब से ये आपका मतलब निकला कि ए बराबर आपका क्या हो गया, तो पी हो गया, ऐसे बात समझ सकते हैं। मतलब कि दो कंडीशन ऐसा दे दे जिसमें पहले कंडीशन को मतलब कि लिखने के बाद और दूसरे कंडीशन को लिखने के बाद दोनों अवयवों को बराबर बराबर ही आ जाते हैं तो दोनों समुच्चयों को हम लोग कहते हैं समान समुच्चय। तो एक काम करो बेटा आप लोग क्या करो, घर पे बाद में समय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अगर है तो थोड़ा सा इस चीज को करके लिख सकते हो, अगर आप लिख सकते हो तो लिख ही लो, लिख लोगे क्या अभी है तो लिख लो,
कहे कि फिर बाद में अगर उतर जाएगा दिमाग से लिखने के लिए तो फिर रहेगा कि सर तो कुछ ने लिख कुछ तो लिखवाया ही नहीं। तो नहीं, थोड़ा सा है, समय लगेगा, आप लिख लीजिए। परिभाषा क्या लिखा हुआ है? समान समुच्चय का। ये किसका परिभाषा है? तो ये आपका समान समुच्चय का है। देखिए परिभाषा समान समुच्चय का लिख ही लीजिए, अगर साथ में कॉपी है तो आप इसको लिख लीजिए। समान समुच्चय क्या है? यदि दो समुच्चय ए और बी समान कहलाते हैं, यदि उसमें तत्वतः समान अवयव हो और हम लिखते हैं ए बराबर बी, अन्यथा समुच्चय असमान कहलाते हैं, जिसे हम लिखते हैं ए नॉट इक्वल टू बी। आप पहले इसको डेफिनेशन को पहले लिख लीजिए, तो एकदम सरल हिंदी में लिखा हुआ है। क्या लिख लीजिएगा कि लिख, अभी तुरंत लिख रहे हैं बेटा, क्या कर रहे हैं? क्या है बेटा लिख रहे हैं? हम बाद में लिख लेंगे। बाद में लिख लीजिएगा, पक्का ना? हाँ, स्क्रीनशॉट कर लिए। ओके ओके, चलिए ठीक है। अब आगे हम देखते हैं, क्योंकि ये जरूरी है। अब उसके बाद हम लोग थोड़ा सा एग्जांपल या क्वेश्चन जो है, देखिए बेसिकली आदमी समझने पे जोर दे, लिखने का है, अगर अच्छा से कॉपी पे लिखा हुआ है तो वो काम कर ही जाएगा, इसलिए लिखने का समय भी दे दिए कि अगर लिखिएगा तो उससे हो जाएगा। अब आगे देखिए क्या होता है। देखिए आगे जो है आपको यहाँ पे कर सकते हैं, देखिए देखिए यदि किसी समुच्चय के एक या एक से अधिक अवयव की पुनरावृत्ति हो तो समुच्चय बदलता नहीं है। उदाहरण के लिए जैसे मान लेते हैं कि यदि ए का जो अवयव है 1 2 3 और बी का जो अवयव है 2 2 1 3 3, इसको नोट में करके लिख सकते हैं कि देखिए ए का 1 2 3 ही सदस्य निकला और बी का सदस्य निकला कौन कौन, 2 2 1 3 3, समान समुच्चय कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि ए का प्रत्येक अवयव बी में है। हमें बस डिफिनिशन जो है, परिभाषा है, परिभाषा क्या कहता है, यदि ए का प्रत्येक अवयव बी में हो और बी का प्रत्येक अवयव आपका ए में हो, तो देखा जाए तो यहाँ पे जो है ए का अवयव आपका क्या क्या दिख रहा है, 1 2 और 3, और बी का अवयव क्या क्या दिख रहा है भाई, 2 2 1 3 3। यानी ये देख कर ही क्लियर है कि ए का जो जो अवयव है वो बी में भी शामिल है और बी का जो जो अवयव है वो ए में भी शामिल है, इसीलिए इन दोनों समुच्चय को समान समुच्चय कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई? क्योंकि ए का प्रत्येक अवयव बी में है और बी का प्रत्येक अवयव भी ए में है। इस कारण हम प्रायः किसी समुच्चय का वर्णन करते समय उसके अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं करते हैं। अब देखिए आपको एक एग्जांपल जो दिया हुआ है, तो देखो बेटा एग्जांपल तो दिया हुआ है, तो देखिए इसका हम सॉल्यूशन नहीं देखते हैं, है ना, सॉल्यूशन नहीं देखते हैं। देखिए अब जो है, अगर ए है, ए में एक मेंबर सिर्फ 0 है, बी ए है, सी ए है, डी है और बी है और डी है, तो दिखाना है आपको कौन, मतलब कि कौन, देखो यहाँ पे आपको बताना क्या है कि कौन सा जो समुच्चय है। देखिए 10 मिनट में ये एंड हो जाएगा, तो 10 मिनट के बाद हम फिर से इसमें करेंगे। देखिए आपको बताना क्या क्या है भाई कि कौन कौन सा जो समुच्चय है कि जो दोनों बराबर में आते हैं, कौन कौन ऐसा दो समुच्चय है कि वो दोनों आपको बराबर में आएंगे। तो सबसे पहले जैसे एक उदाहरण के तौर पे देखा जाए कौन कौन इसमें दो समुच्चय है, तो देखो कहा गया कि सी और ई, देखिए कहा गया कि डी, हाँ कौन कौन है इसमें भाई, दोनों में से बराबर है, सी और डी। सी और डी नहीं बेटा, यहाँ पे तो लिखा हुआ है सी नॉट इक्वल टू डी, आप समझिएगा सी नॉट इक्वल टू डी। देखिए क्यों ऐसा कहा गया, देखिए डी का जो मेंबर है +5 और -5, यहाँ पे दोनों होगा। आप द्विघात समीकरण में इस चीज को आप पढ़े हैं ना कि यहाँ पे जो डी जो है वो डी का कौन कौन मेंबर हो जाएगा, +5 और -5, ठीक। अब उसके बाद जो है सी का सिर्फ मेंबर की बात करें तो सी बराबर, सी में जो हो जाएगा x = 5,
तो आप देख के समझ सकते हैं आप एक चीज कि यहाँ पे जो है ना डी में, डी का मेंबर सी में आपको नहीं आ रहा है, इसीलिए सी का मेंबर तो डी में है लेकिन डी का मेंबर सी में आपको नहीं है, इसीलिए सी इज नॉट इक्वल टू डी करेंगे, क्योंकि हमें ऐसा लेना है कि अगर सी और डी को बराबर तभी कहते कि सी में जो जो अवयव है वो डी में शामिल हो और डी का जो जो अवयव है वो सी में शामिल हो। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि सी का जो अवयव है वो डी में नहीं है और डी का जो अवयव है वो सी में नहीं है। अब एक चीज जरा देखिएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब इस तरह से यहाँ पे जैसे मान लेते हैं सी बराबर तो 5 है किंतु परंतु माइनस 5 अब साइलेंट डी, मतलब माइनस 5 डी का सदस्य है इसीलिए सी नॉट इक्वल टू डी। अब देखिए कहा गया, अच्छा ई, ई में कौन सा सदस्य रह सकता है? देखिए कहा गया क्या, देखिए यहाँ पे बोला क्या गया, देखिए गए ई का, ई के बारे में क्या कहा गया, ई जो है समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 15 का एक धन पूर्णांक है, इसका धन पूर्णांक लेना है, तो ये निगेटिव वाला वैल्यू नहीं लेना है। यानी अगर एक तरह से देख लें तो यानी इसको द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण में आप हमें बताइए बेटा कि इसका कौन कौन सा दो मूल आएगा, बताइए तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इसका कौन कौन दो मूल आएगा बताइए तो हमें, बता सकते हैं कि हमें बनाना पड़ेगा, बताइए तो हमें, आप सॉल्व करके बताइए कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 और 3 नहीं नहीं साइन के साथ बताइए, प्लस माइनस के साथ बताइए हमें, ये बतलाते हैं हाँ, इसका प्लस माइनस देकर बताइए, माइनस 3x प्लस नहीं रुइए रुइए अनुराधा आप भी बताइए, टेंथ में तो आप लोग पढ़े हैं ना? यस सर। हाँ तो इसका बताइए, प्लस 5 माइनस 3 हाँ, प्लस 5 और माइनस 3, लेकिन यहाँ पे बोला क्या गया है कि इसका सिर्फ धन पूर्णांक ही लेना है, ये क्या कहा जाए, नकारात्मक जो वैल्यू है, निगेटिव वैल्यू है, ऋणात्मक वैल्यू है तो ऋणात्मक मान को नहीं लेंगे, सिर्फ धन पूर्णांक को लेंगे, तो धन पूर्णांक लेंगे तो ई का जो मेंबर हो जाएगा वो सिर्फ क्या हो जाएगा भाई, 5 हो जाएगा, बात समझ रहे हैं ना, और सी है, सी का भी अवयव सिर्फ क्या है, 5 है। तो यानी हम लोग देख के समझ सकते हैं कि इस प्रकार समान समुच्चयों का युग्म केवल सी और ई है, यानी कह सकते हैं कि सी और ई ही दो ऐसे समुच्चय हैं जो कि इन्हें समान समुच्चय भी कहेंगे, क्योंकि जो सी का अवयव है वही क्या है, ई का अवयव है, तो इस तरह से इन्हें हम समान समुच्चय लेकर कहते हैं। क्या क्लियर है, कोई कंफ्यूजन भी है क्या बेटा, डिस्कशन कर दें कि समझ में आया। देखिए ए जो है, ए का तो अवयव सिर्फ 0 है, ठीक है, बी की बात करते हैं तो बी का वैल्यू क्या बोला है, एक्स जो हो क्या क्या हो सकता है भाई, या तो आप रखिए 15 से बड़ा और या तो रखिए और क्या रखिए, 5 से छोटा, तो ऐसा तो कोई है नहीं, यानी इसका 5 यानी कह सकते हैं कि ऐसा कोई मान हो ही नहीं सकता जो कि 15 से बड़ा है और 5 से छोटा है, यानी एक रिक्त, ये एक रिक्त समुच्चय हो गया, रिक्त समुच्चय मतलब 5 जिसको बोले थे पिछले वाले क्लास में, तो रिक्त समुच्चय हो गया, इसको तो हम लोग माइंड नहीं करेंगे, इसका एक और जो 0 है, ये दोनों तो बराबर नहीं हुआ। अब सी की बात करते हैं, सी में एक्स माइनस 5 भी बराबर 0, तो एक्स बराबर आपका हो जाएगा 5 और डी बराबर क्या दिख रहा है बेटा, तो एक्स स्क्वायर बराबर 25, इसका मतलब ये हुआ कि एक्स का दो वैल्यू निकल के आया, प्लस 5 और माइनस 5, लेकिन इन दोनों को बराबर नहीं कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे, तो भाई अगर देखा जाए यहाँ पे सिर्फ वैल्यू मिला है 5 और यहाँ पे मिला है प्लस 5 और माइनस 5, तो हम यहाँ पे देख के समझ सकते हैं कि जो डी का जो अवयव है वो सी में आपको शामिल नहीं है, सी का अवयव डी में शामिल है लेकिन डी का अवयव माइनस 5 जो है वो सी में शामिल नहीं है, इसीलिए इन दोनों को तो हम बराबर समुच्चय कभी नहीं कहेंगे। अब ई की बात ही आते हैं, तो ई के बारे में बोला है कि केवल धन पूर्णांक लीजिए, तो धन पूर्णांक जो लेंगे तो धन पूर्णांक में देखिए, जो धन पूर्णांक हम लेंगे तो धन पूर्णांक तो सिर्फ प्लस 5 ही आ रहा है, तो प्लस 5 आ रहा है तो इसीलिए प्लस 5 जो है, हाँ
ये जो प्लस फाइव आ रहा है तो प्लस फाइव आ रहा है और ये भी एक्स बराबर फाइव ही है, तो दोनों हम लोग कर सकते हैं कि दोनों का दोनों क्या हो गया आपका, तो दोनों का दोनों बराबर बराबर हो गया। चलिए सी बराबर ई, क्या क्लियर है इसमें कि लिख करके बता दे क्या कहते हैं बेटा, कुणाल बता दे लिख करके कि क्लियर है, बताइए अनुराधा लिख कर बता दे कि क्लियर है, बोलिए आवाज आ रही है आप लोगों को, आवाज आ रही है, देखिए कुणाल आवाज आ रही है, यस सर, ये क्लियर है कि लिख करके इसको बता दे, हो गया है क्लियर आपका अनुराधा, बता दें कि कॉपी पे करके हम चाहते हैं ना कि रुकिए अभी जो है ना एक हम बनाने के लिए देते हैं कि ताकि और ज्यादा मतलब कि एक बनाने के लिए देंगे और उसको जो है अगर नहीं बनेगा तो हम इसको लिख करके बता देंगे, तो एक जो है बनाने के लिए देते हैं, देखते हैं क्या बनेगा कि नहीं बनेगा। तनी आप तो नए बच्चे हैं, आप समझ रहे हैं बेटा, सनी आवाज आ रही है, सन्नी हाँ। समझ रहे हैं कि बता दे लिख करके, अभी तो समझ नहीं आ रहा, हाँ आज पहला क्लास है ना तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा समझने में प्रॉब्लम हो रहा होगा, तो अभी एक काम करिए आप जो इसका पिछला जो वीडियो डाले हैं वो देख लीजिए या हम अलग से व्हाट्सएप करके हम इस चीज को बता देंगे, खाली बस प्रेजेंट रहिएगा, प्रेजेंट रहिएगा तो सब समझ में आएगा, प्रेजेंट अब्सेंट रहिएगा तो भैया कुछ समझ में ना आएगा, ये एकदम क्लियर रखिए। तो जैसे एक एग्जांपल इक्वल वाले का हम देते हैं बेटा, थोड़ा सा देखो तो जरा बना करके, अगर बन जाता है तो अच्छा है और अगर नहीं बनता है तब तो फिर हम बताएंगे, तो ये तो परिमित अपरिमित का एग्जाम्पल था, चलो देखते हैं एक ये वाले का। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर चौथा और पांचवा, क्वेश्चन और पांचवा और छठा, ये तीन को जो है ना ये आपको बताना है। चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन नंबर चौथा की बात करते हैं, बेटा आप बनाओ फिर हम बनाएंगे, दिखाओ तो पहले बताओ पहला नंबर, ये जो पहला नंबर दिख रहा है इसको इक्वल है कि नहीं इक्वल है, देखो तो अनुराधा बताना है, कुणाल बताना है, पहला वाला क्या इक्वल है सर, इक्वल है, अच्छा चलो दूसरा वाला इक्वल है कि नहीं इक्वल है, इक्वल कि नॉट इक्वल, नॉट इक्वल, नॉट इक्वल सही है, क्यों, क्योंकि देखना बेटा सनी, देखो यहाँ पे, देखो बेटा यहाँ पे बोल रही है अनुराधा कि नहीं इक्वल है, क्यों नहीं इक्वल है बेटा, तो देखो यहाँ पे जो आपका ये जो 18 दिख रहा है, ये जो 18 इसमें तो शामिल नहीं है और इसमें जो 12 है वो इसमें, अब आप बता दिए हैं कि यहाँ पे जो है आपका a इज इक्वल टू b अथवा है कि नहीं है आपको ये बताना है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, देखिए जो पहला वाला जो है, हाँ चौथा नंबर जो दिख रहा था, चौथा नंबर में पहला तो बोले इक्वल है, ठीक है, अब दूसरा नंबर इक्वल नहीं है, ठीक है, अब आपको बताना है कि क्या तीसरा नंबर का क्या पोजिशन है बेटा, तीसरा नंबर इक्वल है कि नहीं इक्वल है, इक्वल है, हाँ तीसरा नंबर क्या है इक्वल है, कुणाल आगे है ना, सन्नी देखो बेटा तुम भी समझना चाहोगे तो जरूर समझ जाओगे, बहुत ही इजी और बहुत समझने लायक है, ध्यान से समझिएगा, देखिए आपका जो है सन्नी अब की बार आप जवाब दीजिएगा, आपके लिए हम बता रहे हैं यानी आपको इस बार जवाब देना ही देना है, बताइएगा, देखिए ये जो है ना तीसरा नंबर हम लोग देख रहे हैं, चौथा का तीसरा नंबर बताइए, तो बेटा सनी चौथा का तीसरा नंबर में कौन कौन मेंबर आपको दिख रहा है बताइए, तो चौथा का तीसरा नंबर में कौन कौन मेंबर दिख रहा है आपको, हाँ देखिए दो चार छ आठ और क्या है 10 ये ना दिख रहा है आपको, चलिए बढ़िया अब आते हैं, हाँ अब देखिए यहाँ पे बी में क्या दिख रहा है, x बराबर दे रहा है कि x एक ऐसा समधुर धन पूर्णांक है
जो 10 से छोटा या बराबर है। तो 10 से छोटा या बराबर धन पूर्णांक को सम धन पूर्णांक, सम संख्या बताना है, वो भी धनात्मक सम संख्या। तो धनात्मक सम संख्या जो 10 से छोटा या बराबर हो वो कौन कौन हो सकता है? तो देखो तो 2, 4, 6, 8 और कौन हो सकता है? 10 हो सकता है, ये ना हो सकता है ना बेटा, बात समझ रहे हैं? हाँ, तो 10 से छोटा या बराबर हो ऐसा कौन कौन हो सकता है? तो 2, 4, 6, 8 और क्या हो सकता है? 10। तो देखो तो एक का भी मेंबर तो वही ना दिख रहा है, एक का भी अवयव वही ना है, 2, 4, 6, 8 और 10 ही है ना। तो कह सकते हैं ना हम लोग कि a बराबर आपका क्या हो गया? तो b हो गया। सही है सन्नी? क्या सर? बड़ा समझ रहे हो ये वाला? देखो यहाँ पे हाँ, क्योंकि अगर 10 से छोटा वाला जब सम धन पूर्णांक बोला है तो 10 से छोटा वाला सम धन पूर्णांक कौन कौन होता है? 2, 4, 6, 8 और क्या होता है? 10 होता है। हाँ, 10। और एक का भी अवयव क्या क्या दिख रहा है? तो देखो देखोगे तो क्या क्या दिखेगा? 2, 4, 6, 8 और क्या दिख रहा है? 10। यानी ऐसी परिस्थिति में जो ए का अवयव होगा वही अवयव तो बी का भी होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि ए का अवयव बराबर बी का अवयव, यानी कह सकते हैं हम लोग कि ए बराबर क्या हो गया? तो बी हो गया। ठीक है, चलिए अब चौथा का चौथा नंबर बताओ तो बेटा, क्या लग रहा है? इक्वल है कि नहीं इक्वल है? अनिक्वल है। देखिए x जो है 10, संख्या 10 का एक गुणज है, तो 10 का गुणज तो बहुत ज्यादा हो गया। और b जो है, हाँ, 10, 15, 20, तो 15 तो 10 का गुणज नहीं ना है, तो इसीलिए हम लोग कहेंगे इसको कि अनिक्वल है, क्योंकि 20, 30 चलो सही है, लेकिन 15 और 25 तो 10 का गुणज नहीं है, तो अनिक्वल है। बहुत अच्छा। अब पांचवा नंबर में बताइए बेटा, पांचवा का पहला नंबर आप हमें बताइए इक्वल है कि नहीं इक्वल है? बी जो है, हाँ, इसको तो आप सॉल्व कर सकते हैं ना, पांचवा का बी को, पांचवा का जो बी जो दिख रहा है इसको तो आप द्विघात समीकरण को तो सॉल्व कर ही सकते हैं। इक्वल है, इक्वल है। अनुराधा तुम बताओ, तुम बताओ तो ठीक से चेक करके बताइए। अनुराधा चेक करके बताओ, बी में एक्स का मान का क्या क्या होगा? द्विघात समीकरण है, बताना है कि बी में, समीकरण बी में जो है वहां पे एक्स का मान क्या क्या होगा, थोड़ा बताइए। तो बता रहे सर। हाँ बताइए, एक्स स्क्वायर बराबर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 सर। हाँ, ए और बी में ना, हाँ, तो ए का मान आया 2, अनइक्वल है। हाँ अनइक्वल है, कुणाल निकालने में तुम थोड़ा हल बड़ी कर दिए हो, अनइक्वल है, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0, तो यानी x का मान क्या क्या हो जाएगा बेटा? -2 और क्या हो जाएगा? -3 होगा ना, जब निकाले होंगे तो क्या क्या आया होगा? वही ना आया होगा, x का मान क्या क्या आया अनूप बताओ तो? -3 और -2। हाँ, -3 और -2, और a का मान क्या? और हाँ, a का वैल्यू है 2 और 3, तो कह सकते हैं कि a का जो अवयव है वो b का अवयव नहीं है, और जो b का अवयव है वो a का अवयव नहीं है, तो हम लोग कह सकते हैं कि दोनों समीकरण जो है वो अनइक्वल है। चलो ठीक है, पांचवा का दूसरा, सनी तुम निकाल लेते हो द्विघात समीकरण, दसवां में पढ़े थे ना? Yes, sir. हाँ, तो द्विघात समीकरण निकाल लेते हैं आप, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0, ये बता दे, बता दे बेटा, तुम बहुत बदमाशी कर रहे हो, देखो बताने के लिए तो हम बता देते हैं, लेकिन एक लाओ भाई बेटा बता दे, देखो क्या है, बता देते, देखो सर बहुत प्रॉब्लम कर रहा है अपना माउस से। एक मिनट,
देखो एक बार हम भी ऐसे बता देते, जो बच्चा द्विघात समीकरण जो नहीं जानता होगा वो जान जाएगा। जैसे आ गया ना, ये हो पाएगा अच्छा बेटा। देखिए इसको थोड़ा बाद में हम देख के बता देंगे इसको, अभी शायद कर्सर का इसका जो है ना प्रॉब्लम कर रहा है। ये जो कर्सर और माउस जो होता है ना, ये सब का यही दिक्कत होता है कर्सर माउस का। चलो अभी जो आ जाते हैं इसमें आपको, देखिए बेटा थोड़ा देर बाद इसको हम लेकर के बता देंगे, काहे कि इसका जो है ना अभी इसको ये करने में दिक्कत हो जा रहा है। हाँ चलो यहीं पे आते हैं, देखो बेटा यहीं पे आते हैं। देखिए ये जो हम लोग देख के चल रहे थे, अच्छा बताइए तो पांचवा का दूसरा नंबर क्या ये पांचवा का जो दूसरा नंबर है, अच्छा ये जो है आपको दिख तो नहीं रहा होगा, अभी रुक जाओ इसको आराम कर पड़ेगा ना सर, तब आएगा पांचवा, एक मिनट रुके तो। अरे क्या हो गया है, एक मिनट बेटा स्क्रीन पे थोड़ा शेयर करिए तो ग्रुप में आप लोग देखें, आप लोग किस हिसाब से बनाते हैं बेटा द्विघात समीकरण को। देखो यहाँ पे जो है देखिएगा इसको, देखो क्या करते होगे आप ही लोग, ऐसे ना दिया हुआ था बेटा, देखो एक्स स्क्वायर यही था, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स यही था ना यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। सनी दिख रहा है, सनी दिख रहा है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो यही था ना आपका, सनी दिख रहा है, बोल ही नहीं रहा है बेटा, आवाज आ रही है ना, देखो थोड़ा सा बता देते हैं, यही था आपका। हाँ सनी जवाब देना है ना, जब पूछेंगे तो आप जवाब दीजिएगा। देखिए आपका जो क्वेश्चन था क्या था आपका, यही था ना एक्स स्क्वायर, यही था एक्स स्क्वायर प्लस है ना, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू था आपका क्या जीरो, यही था ना जीरो, ऐसे ऐसे स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू आपका जीरो। तो आप लोग इसको ऐसे ना करते थे, यानी एक्स स्क्वायर जो था इसको कैसे लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर तो आगे हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, तो इधर लिख सकते हैं इधर प्लस, यही टू एक्स, फाइव एक्स है तो प्लस टू एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू हो जाएगा आपका जीरो। अब नीचे हम लोग आते हैं, जब एक्स स्क्वायर जो है ना, तो जब यहां से हम एक्स कॉमन ले लेंगे, एक्स कॉमन ले लिए, जब x को कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा हमारे पास, x प्लस टू, x प्लस टू, अब प्लस यहाँ पे एक और यहाँ पे थ्री कॉमन ले लीजिएगा, यहाँ पे थ्री कॉमन ले लीजिएगा तो ये हो जाएगा आपको उसी तरह से x प्लस टू है ना इज इक्वल टू हो जाएगा जीरो। अब नीचे में आके देखिएगा तो क्या हो जाएगा, तो यानी हम लोग करते हैं ब्रैकेट में है ना,
तो x plus 2 into x plus 3 is equal to 0. अब यहां पे देखेंगे तो ये हो जाएगा x plus 2 is equal to 0. तब यहां पे हम लोग कह सकते हैं कि x is equal to हो जाएगा आपका -2. अब उसी तरह से आगे में देखा जाए, इधर तरह उसी तरह से यहां पे जाते हैं, आगे में उसी तरह से इंटर देते हैं, यहां पे उसी तरह से देखिएगा कि इंटर अगर दे दिया कि x plus 3 is equal to 0, तो हम लोग कर सकते हैं कि x is equal to हो जाएगा -3. यानी हमें यहाँ पे x का दो वैल्यू निकला है, x is equal to दो वैल्यू निकला है यहाँ पे -2 और क्या आपको निकला भाई, तो -3. सनी देखिए आप ही के लिए बताए हैं, क्या समझ में आ रहा है सनी? टेंथ में बनाए थे कि नहीं बनाए थे? बनाए थे, भूल गया लॉकडाउन में. अच्छा अब नहीं ना भूलिएगा, समझ लीजिएगा ध्यान से. देखिए हम इसको सेव कर लेते हैं, तो हम इसको सेव कर लेते हैं, आप इसको जाकर के देख लीजिएगा ताकि आप इसको भूल ना पाए. और उसके बाद जो आता है नेक्स्ट जो है, कहाँ गया ये नेक्स्ट, इसको हटा देते हैं सेव के लिए. अब आते हैं यूआर सीरीज पे, क्योंकि अब जो है शेयर कर रहे थे ना हम लोग. ये बुक पे आते हैं, देखिए यू आर शेयरिंग क्या दिख रहा है. तो कुछ ब्लैक बोर्ड दिख रहा है क्या कि बुक दिख रहा है? बुक दिख रहा है ना. चलिए ठीक है, तो हम लोग हाँ तो हम लोग थोड़ा बुक पे आते हैं. एक ये तो है ना, हाँ जो बुक है आपका, कर दिया है कर से. तो ये जो आ रहे थे हम लोग, ये जो बुक आपको दिख रहा होगा सामने, तो अब उसके बाद जो आते हैं चौथा तो हो गया. अच्छा चौथा का ये पांचवा का जो है हम लोग पहला देख रहे थे, है ना, ये ना पहला हम लोग देख रहे थे, तो पहला तो देख लिए. अब उसके बाद आता है पांचवा का दूसरा में क्या लगता है बेटा, ये क्या है, इक्वल है कि नहीं, नॉट इक्वल है, बताइए तो. पांचवा का दूसरा का इक्वल है, हाँ इक्वल है, पांचवा का इक्वल है. क्यों? क्योंकि इसको देखा जाए तो वही आ जा रहा है भाई कि अगर F4LOW का हर एक वर्ड जो है आपका दूसरे वाले में क्या है, आ ही जा रहा है. इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि दोनों जो है आपका क्या है, इक्वल है. अब आते हैं हम लोग नीचे, जब बुक आपको नीचे दिखिएगा तो नीचे, हाँ अब उसके बाद आता है हाँ उपसमुच्चय. अब एक नीचे आता है आपका उपसमुच्चय, है ना, उपसमुच्चय आता है. तो उपसमुच्चय कहते किसको है, ध्यान से देखिएगा. उपसमुच्चय नाम से ही क्लियर है, जैसे राष्ट्रपति सुने होंगे आप लोग नाम, एक राष्ट्रपति होता है और एक आपका उपराष्ट्रपति होता है, ये ना होता है. तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति क्या होता है कि राष्ट्रपति का जो छोटा वाला जो भाग होता है, जो छोटा कार्यभार जो संभालता है, जो उसके नीचे होता है, वही आपका उपराष्ट्रपति, राज्यपाल उपराज्यपाल कहते हैं. उसी तरह से जैसे इसमें पढ़ा जाता है तो सब, ये एक और छूट गया नहीं, ये वाला जो है आपको ये छूट गया, छठा नंबर छूट गया है. छठा नंबर में देख के बता दी तो बोल बेटा कि कौन इसमें इक्वल, कौन में तीनों में से कौन इक्वल इक्वल कर सकते हो बताओ, छठा का भी बता ही दीजिए.